आप पक्का कांग्रेस की देंगे? हाँ पक्का। देख लीजिए पक्का कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। एक बार नहीं, कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, वोटर हूँ मैं। अच्छा वोटर स्पेशल। अच्छा वोट वोट दोगे, सपोर्ट नहीं करते? ना सपोर्ट भी कराए। सपोर्ट किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। अच्छा तो कार्यकर्ता भी हुए ना? मैं पहले भी कार्यकर्ता है, पहले रिटायर कौन थे, रिटायरमेंट और कई काम और के। अच्छा चलो बढ़िया, तब राम राम। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे खास कार्यक्रम चल रहे हैं कि हम जनता की राय ले रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के, नरवाना के अंदर आज हमारी टीम पहुंची है और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। यहाँ से प्रथी नंबरदार है जो विधायक है और आने वाला जो समय है देखते हैं भाजपा का रहेगा, कांग्रेस का रहेगा, जेजेपी का रहेगा, इनेलो का रहेगा, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जबानी। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ठीक है ताऊ। ठीक है भाई, बढ़िया। अब की बार कौन सी पार्टी जिताओगे? बीजेपी ने। बीजेपी ने। अब क्या खासियत है बीजेपी में? कम साजले काम बनने लग रहे, बढ़िया काम बनने लग रहे। धारा 370 तोड़ दी, खुश हो? खुश हाँ जमा। अच्छा जैसे थी आपको तोड़ देगी? जैसे थी जाए थे वोट दिए थे पाछे भी। विकास कार्य कुछ हुए हैं यहाँ पे? प्रति नंबरदार तो कह रहा था, लंबरदार का हाथों में को नहीं बेचारा है कुछ। भाजपा ने करवाए? भाजपा ने तो ये साजले काम लग रहे हैं, जो नौकरी है बढ़िया, बच्चा नौकरी मिलने लग रही है। समस्या क्या है आपके नरवाना की अभी तक जो पूरी नहीं हुई है? नरवाना की मेरे समझ में तो कोई समस्या नहीं। बोलो। हाँ ताऊ राम राम। ठीक हो? ठीक है। क्या की समस्या बताए? पानी की निकासी? सीवरेज की, पानी निकासी की समस्या सारे नरवाना में। तो फिर आप किसी से मुलाकात की आपने इसको निकासी को लेकर के? हमने सीएम मंडल तक डाल दिया। हाँ। कोई वो नहीं हुआ। अच्छा कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं, कोई पूछने वाला। पार्टी का पलड़ा भारी करोगे आपकी बार? देखो पलड़ा तो जीतेगी तो है बीजेपी, मैं तो कांग्रेस का वोट दूंगा। आप कांग्रेस का दोगे? जीतेगी बीजेपी? जब आप नन्नू बेरा जीतेगी बीजेपी फिर कांग्रेस क्या दे दोगे? शुरू में कांग्रेस से, हम शुरू से कांग्रेस में आस्था है, आस्था कांग्रेस में। मतलब नू नेम कर रखा है अभी कांग्रेस की देनी है? ना नेम तो कौन कर रखे और ना वोट कांग्रेस आस्था है। मतलब के भगवान दिख है? ना ना भगवान तो कौन समय नहीं। आस्था कैसे होती है? बस मैं अपनी शुरू की बन रही है, शुरू की परमानेंट जुबान कर रखी है अभी इसकी देनी है। सारे बूढ़े पहले इनके दिन दे, हम भी दिन दे, आगा बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य चल रहा है इस वजह से। अच्छा क्या अच्छाई दिखती है कांग्रेस के अंदर आपको? अच्छाई के बस जुड़ रहे हैं। अच्छा मतलब जुड़ना, हम जुड़े रहना है इस तरह? हाँ जुड़े रहना। अच्छा अब क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के अंदर 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी हार गई, हरियाणा विधानसभा चुनाव जीत जाएगी कोई सीट? सीट तो जीतेंगे। इतनी सीट लगभग आप आशंका लगा रहे हो? ये तो खैर मैंने पता नहीं जितना। तो आप पक्का कांग्रेस की देंगे? हाँ पक्का। देख लीजिए पक्का कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। एक बार नहीं, कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, वोटर हूँ मैं। अच्छा वोटर स्पेशल। अच्छा वोट वोट दोगे, सपोर्ट नहीं करते? ना सपोर्ट भी कराए। सपोर्ट किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। अच्छा तो कार्यकर्ता भी हुए ना? मैं पहले भी कार्यकर्ता है, पहले रिटायर कौन थे, रिटायरमेंट और कई काम और के। अच्छा चलो बढ़िया, ताऊ राम राम। राम राम भाई। ठीक है ताऊ। ठीक है भाई। और बताओ कौन सी पार्टी जिताओगे अब की बार? भाई मैं तो दू सिंध की देगा प्यारे। तू सिंध को दो, मैं तो दू सिंध की। जेजेपी ने? हाँ। अच्छा जेजेपी में क्या खासियत बात अलग है? खासियत बात अलग है, उसका प्रदाता ने 2000 लाए लिया पिलचन के दिन। अच्छा हाँ तो ई वोट सरकार भी बढ़ावा उसने जेजेपी इन एल ओ ने, फिर क्यों नहीं साथ दे रहे आप दू सिंध? मैं मलंगा हूँ इलेक्शन लगो और बूढ़ा लिया इन एल ओ का कुछ जनाधार रहोगा यहाँ नरवाना से? रहोगा किसान ही। हाँ? आप पक्के जेजेपी के हो? पक्के। जेजेपी किसे ने खड़ी करा तो उसे की दे, बस उसे की दे देंगे अपनी वोट। किसे ने खड़ी? 370 टूटी, खुश हो इस तरह? हाँ खुश। हाँ अच्छा कितने खुश हो? जितने वो होना उतने है, कितने के और तने लड्डू फूटे मन में? लड्डू तो बतेरे हैं, लड्डू को तोड़ा नहीं। हाँ? चलो तब ठीक है ना। विकास भी कुछ कुछ कार्य हुए भाजपा सरकार में आपके यहाँ नरवाना में? कौन सी का? भाजपा सरकार है जैसे हरियाणा की, तो कुछ विकास कार्य हुए यहाँ नरवाना के अंदर? सारी चीजों में हो रहा है। खुश हो आप? खुश हम तो। किसे डाले? कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं चाहिए। आप संतुष्ट हो? हाँ ताऊ ने कोई समस्या नहीं? हाँ कितने बता दिया और के सारे बता वहाँ। हाँ चलो बढ़िया। हाँ हाँ ताऊ राम राम। राम राम भाई। ठीक है ताऊ। हाँ ठीक है। आप किसने जिताओगे? हम तो जेजेपी के। जेजेपी के हो? हाँ पहले दिन से ताऊ देवीलाल के साथ जुड़े हो यार। हाँ हाँ उनकी किस्मत है, हम तो जेजेपी के। जेजेपी के साथ ही रहोगे? हाँ जी। बीजेपी ने या जो धारा 370 और 35 से तोड़ दी, काम करया है यो मोदी कौम सरावा। हाँ। और बड़ा बॉटम ने मोदी का दिया है, बड़ा बोट लोकसभा में। लोकसभा में
दुष्यंत की सपोर्ट नहीं करी थी, अपनी भी जेजेपी का करोगे? नहीं नहीं, फिर ये तो पहला इरादा था, बड़ा वोट तो देंगे मोदी को और छोटा दुष्यंत को। मतलब बड़ा वोट छोटा वोट के सोच के मतलब सेंटर में मोदी रहना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है। कैसे मोदी बिना काम नहीं बनते इंडिया के, इसने सारी तो विदेशों के अंदर अपनी सभी हिंदुस्तान की सबसे ऊपर बना दी। आज इंडिया का मतलब नाम है ना संसार में गिने चुने देशों में होने लगे, गिने चुने थोड़े दिन में टॉप में भी आता, टॉप में भी आएगा अगर मोदी अगले प्लान में 24 के बाद आ गया ना। विश्व गुरु भी तो हमारा देश रहा ना, पहले भी तो टॉप में था। और बाकी ये धारा 307 ये 70 तोड़ा है नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया काम करा है। तो दुष्यंत का के लगा आपने, मतलब जेजेपी पार्टी का एक सीट काट लेगी हरियाणा, मतलब लगा आपने? सीट का तो कोई उम्मीद नहीं, सीट की उम्मीद नहीं है ना कोई उम्मीद, फिर लेकिन जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ताऊ देल देवीलाल की देन है या जोकर बुजुर्गों की पेंशन है? नहीं, इन लोगों के साथ भी आपका फिल्म टाइम से, इन लोगों के साथ तो कोई वो नहीं, तो वही बात है, पहले तो थे साहब तो खत्म ही हो लिए, बाकी अब का कोई रोल नहीं है। अच्छा, ना लो भी अपने दावेदारी तो पेश करेगी जी? ना करे जाओ, उसकी तो एक भी सीट नहीं है। नहीं, आपस में दो पार्टी अलग अलग होगी, मतलब ज्यादा मजबूत जेजेपी रहोगी? जेजेपी रहोगी। अच्छा, आप जेजेपी को सपोर्ट करोगे? हाँ। कोई समस्या हो आपके यहाँ नरवाना की? ना समस्या तो एक तो रोड दिखने लग रही है आपने। रोड दिखाओ जी, कैमरा मैन कहूंगा जी एक बार, रोड अभी तक बने नहीं। फिर आपने कभी कंप्लेंट वगैरह की हो विधायक से, हो सांसद से मिले हो? सीवरेजों की हम कई बार मतलब एक्शन से एसडीओ से मिले हैं, पीडब्ल्यूडी एक्शन, पीडब्ल्यूडी वो कुछ नहीं, वो बस एक मुआवना है, कर्जे हैं और बाद में कुछ नहीं, बस जिमें लारेबाजी। ज्यादा लहर आपका नरवाना कुल मिला के, मतलब आपने क्या लगा है बीजेपी की? सही रहो, बीजेपी लहर बीजेपी की है, लहर बीजेपी की। और वोट जेजेपी, वोट जेजेपी की आपकी तरफ से, लहर के गिल क्यों नहीं गिर रहे? कोई नहीं, तो अपनी वाई मास्टर वाली बात, समझदारी की बात है। हाँ बिल्कुल, मैं जमा बाल की खाल ना पाए। कोई नहीं, कोई नहीं। तो भाई सब क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक है भाई, जमा बढ़िया। और किसने जिताओ? जिताने का तो इरादा जेजेपी को है, इरादा जेजेपी को, फिर जिताओ किसने का? ना ना, और किसी को, जेजेपी को जिताऊंगा अपना नरवाना हल्का से, नरवाना हल्का से जेजेपी को जिताएंगे। सीट निकल जाएगी जेजेपी की? बे उम्मीद तो है, करें तो पूरी पूरी कोशिश। उम्मीद है तो उम्मीद पे खरा नहीं उतरोगे क्या? ना खरा उतरें, जमा कायम रहेंगे उम्मीद पे जेजेपी के लिए। भाई दुष्यंत को बिल्कुल जिताओगे भारी मूवमेंट से। दुष्यंत ने जिताओ जिताओ ना, उका आप ही पियो भाई, बनाओ सेहत, उका पीने तो सेहत बना आपकी। हाँ सेहत बनती है, अच्छी बन जाए, हम अच्छी बन जाए। क्या उके पियो दिन में? दिन में पीने 5-6 ओके, 5-6 ओके। और चलो बढ़िया भाई, तो आप बाकी कोई सरकार की चाहिए, मतलब काम नरवाना हल्का में होना नहीं, होना नहीं कोई काम नहीं होना। फिर के सोच के दो भाई जेजेपी की? आप भाई है बस, भाई अपना पुराने शुरू से बुजुर्ग आए हैं, जुड़ते इनके गल है तो काम में नहीं होते, बुजुर्ग की चाल चलनी जरूरी है, चलती तो नहीं भी काम नहीं, तो बुजुर्ग है जो मान लें उनके जुड़ रहे हो, काम में नहीं होते फिर जुड़ना जरूरी उनके लिए। सरकार आएगी ऊपर ये भी तो जेजेपी ना कदम रखे इसमें, तो आएगी सरकार, काम भी होगी। लगे अपने जेजेपी की सरकार बनेगी तो काम करेगी, करेगी काम, नु बोलो ना भाई काम करेगी। आप तो नु को बुजुर्गों की जो चाल आ रही है उसमें काम नहीं बन रहे? नहीं, बुजुर्गों की चाल नहीं, बुजुर्ग जहाँ देते आए हैं वोट हम तो वहाँ दे रहे हैं अपने जेजेपी को परिवार। हाँ तो देखिए, ये हमारे साथ जैसे नरवाना के कुछ बुजुर्ग थे, युवा साथी हैं, कोई जेजेपी के साथ जुड़ा हुआ तो कोई कांग्रेस के साथ जुड़ा, कोई बीजेपी की जैसे तारीफ करा, लहर भी जैसे ताऊ का कहना है कि लहर तो बीजेपी की लेकिन वोट जेजेपी की है। तो पुराने समय से जो जेजेपी के साथ देवीलाल की जो नीतियों के साथ जुड़े हैं वो कार्यकर्ता, आज भी इनेलो पार्टी का जो कार्यकर्ता था मजबूत था, वो कोई जेजेपी की तरफ है तो कोई इनेलो की तरफ ही है। तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, तब तक विधानसभा क्षेत्र नरवाना से मैं जब भारद्वाज।